तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्ची का अचार, या आप सब्जी भी बोल सकते हैं। कभी जैसे मन हुआ कुछ तीखा खाने का, दाल फीकी फीकी बनी हमारी, तो कुछ चटपटा खाने का मन करे कभी, तो हम ये फटाफट जार में से निकाला और खा लिया। तो आज हम बनाते हैं हरी मिर्ची की सब्जी या अचार। ये पीछे से डंठल काट लेंगे सबके। ओके, वॉश करके अच्छे से, और अच्छे से सुखा लिए। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका अचार जो 10 दिन चल रहा है वो 2 दिन में आपका ख़राब हो जाएगा। इसमें से 2 टुकड़ों में काट लेंगे सबकी। पतली वाली हरी मिर्ची ली है, ये बहुत तीखी होती है, मुझे तीखी पसंद है। इसकी जगह आप मोटी वाली भी ले सकते हैं, वो थोड़ा कम तीखी होती है, तो ये आपकी मर्जी है कैसी लें, बट ये वाली बहुत तीखी होती है। एक बड़ा टीस्पून आपकी करछी जो है, एक मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे। आप इसकी जगह अपना ये सनफ्लावर ऑयल या कुछ भी जो ऑयल यूज़ करते हैं ले सकते हैं आप, और इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। चम्मच मस्टर्ड सीड राई जो है वो हम डाल देंगे, इसको अच्छे से चटकने देंगे। देखिए अच्छे से चटक रही है। चम्मच जीरा, हींग, रेड चिल्ली पाउडर, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी है तो हमने कम ली है। कलौंजी लेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। और एक चम्मच पीसी सौंफ डालेंगे, और ये अच्छी क्वांटिटी में डालें जो इसके टेस्ट को बढ़ा देगा। अभी हम इसको फ्राई करेंगे, हल्दी डालेंगे, और अपनी ये हरी मिर्ची जो काट के रखी है इसको हम डाल देंगे। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा हम ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, ये भी टेस्ट को बढ़ाता है। इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 1-2 मिनट बाद ढक्कन हटा के देखेंगे और हिलाएंगे अच्छे से, ताकि ये नीचे लगे ना। और इसको ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करनी, मगर वो आपकी मर्ज़ी है, सॉफ्ट भी कर सकते हैं अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो। मैं ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करूँगी, मुझे थोड़ा क्रंचीपन अच्छा लगता है। पक चुकी है, अब हम इसमें लास्ट में आमचूर डालेंगे खटाई के लिए। आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। ये डाल के बस 1-2 मिनट और हम गैस पे रखेंगे ढक के, और हमारी मिर्ची की सब्जी या मिर्ची का अचार रेडी है। आप इसमें नमक अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर अचार बनाना है नमक थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, अगर सब्जी है तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करना है। अभी हम इसको 1 मिनट और ढक के रखेंगे। तो ये हमारी हरी मिर्ची बिल्कुल रेडी है, और मैंने गैस ऑफ कर दी हुई है। अभी ये बस थोड़ा ठंडा होगा तो हम इसको जार में भर देंगे, और लगभग रेडी है आपकी। बिल्कुल ठंडी हो चुकी है अभी, और अब हम इसको एक सूखे जार में डाल देंगे। ये आपकी अभी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, और इसको आप 10 दिन तक खा सकते हैं। मैं गारंटी लेती हूँ आप 2 रोटी की जगह 3 या 4 खाएंगे। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा टेस्ट।